हाय, जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उस डिविडेंड से रिलेटेड अलग अलग डेट्स आपको सुनने को मिलती हैं। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उन अलग अलग डेट्स का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। सबसे पहली डेट होती है डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये अनाउंस करते हैं कि वो डिविडेंड पे करेंगे और वो ये भी बताते हैं कि वो कितना अमाउंट पे करेंगे डिविडेंड का। इसके अलावा दो डेट्स और आपको सुनने में मिलती हैं, रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट। कंपनी का बोर्ड इन दोनों डेट्स को भी अनाउंस करता है साथ में। रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट वो डेट होती है जिस दिन पर किसी भी इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स में होना चाहिए अगर उनको डिविडेंड चाहिए है तो। इसका मतलब अगर किसी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है 5th of March, तो इसका मतलब हर वो शेयर होल्डर जिसका नाम 5th of March को कंपनी के रिकॉर्ड्स में होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। पर यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है, जब भी आप कोई शेयर परचेज करते हैं तो आपको वो शेयर T+2 days के बाद मिलता है। मतलब कि जिस दिन आपने शेयर खरीदा उसके बाद 2 trading days और रुकना पड़ता है और तब आपको वो शेयर मिलता है। तो यहीं पे बात आती है एक्स डिविडेंड डेट की। एक्स डिविडेंड डेट जनरली रिकॉर्ड डेट से 2 दिन पहले की सेट की जाती है। तो अगर किसी इन्वेस्टर को कंपनी का डिविडेंड चाहिए है तो उसको एक्स डिविडेंड डेट से पहले तक उस कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेना होता है ताकि रिकॉर्ड डेट पे उस इन्वेस्टर का नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में हो। चौथी डेट है डिविडेंड पेमेंट डेट। इस डेट पे शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड पे हो जाता है। इसके अलावा जब भी कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो वो आपको ये भी बताती है कि ये इंटरम डिविडेंड है या ये फाइनल डिविडेंड है। इंटरम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो कि कंपनी ईयर एंड अकाउंट्स के फाइनलाइजेशन से पहले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अनाउंस करती है। ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स की कंसेंट के साथ वापस भी लिए जा सकते हैं। फाइनल डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में अनाउंस किया जाता है। इस समय तक कंपनी के ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो चुके होते हैं और इस डिविडेंड को वापस नहीं लिया जा सकता। डिविडेंड से रिलेटेड सारी जानकारी के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.